क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के अत्यंत भोगने से पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना आवश्यक है। प्रश्न, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है और जितने बड़े बड़े ऋषि राज ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं, फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? उत्तर, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात पांचों विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता का होना और सदैव काल उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि को न करना, किंतु प्राप्ति काल विषय उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उनके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न, हे भगवान, संसार में नंगे रहने को और भिक्षा मांगकर खाने वाले को वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि को के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। उत्तर, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं, वे ही नंगे रहने वालों को और मांगकर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांगकर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दीन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहना और मांगकर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी है, वैसे सत्वगुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वालों को शरीर को कष्ट होता है, सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता है एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है, विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता तथा श्रुति से भी विरोध आता है। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किसकी कामना के लिए शरीर को तपावेगा? किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है तथा जड़ भरत आदि को अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत याद था। एक मृग के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे, इस वास्ते वह संग दोष से डरते हुए असंग होकर के रहते थे। जड़ भरत आदि खान पहरान आदि को का त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह
जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन हो करके रहे हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास बना है, तब तक नंगा रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर आदिकों और वस्त्र आदिकों की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है, उसको भी शरीर आदिकों की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी हुई है।